This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello everyone, I'm Sonal Tiwari. I'm a self-taught artist. Thank you so much, आपने मेरी पुरानी वीडियो को इतना ज्यादा लाइक एंड शेयर किया. आप में से कुछ ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो मैं वीडियो के एंड में उसका आंसर देने वाली हूँ. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सुनते ही आपके माइंड में कुछ इमेजिनरी फिगर्स आते हैं लाइक लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक्चुअली इमेजिनेशन से बनी हुई आर्ट होती है जिसमें रियल लाइफ फिगर का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है जो हम अपने थॉट प्रोसेस से बनाते हैं. इंडिया के फेमस आर्टिस्ट एमएफ हुसैन सर की पेंटिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड उसको लोग इतना पसंद इसलिए करते थे क्योंकि हर कोई उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को अपने से कनेक्ट करके देखता था. एंड यस, हम जो देखते हैं उसको अपने से कनेक्ट करते हैं. तो आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क का ही एक बहुत अच्छा मास्टरपीस सिखाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है बिगिनर्स के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में. ग्रैब डबल बोनांजा ऑफर. Offer valid till 31st July 2020. Hurry! मैं यहाँ use कर रही हूँ flat brush number 3 and round brush number 4. पहले हम लोगों को करना है mid part जो skin का part है. White mixed with orange. Like this. आपको बस ये ध्यान रखना है कोई भी बेस जब आप कर रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपरली पूरा फिल हो जाना चाहिए बैकग्राउंड. बेस कोट में बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है आपका कलर ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, वो आप नेक्स्ट जब लेयर करते हैं तो वो सब फर्स्ट बेस सारा छुप जाता है. Skin part is complete. Let's come to the hair part. Hairs में मैं कर रही हूँ brown shade. बैकग्राउंड में करेंगे डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, शेड ऑफ रेड एंड व्हाइट. प्रॉपरली कवर ऑल द साइड्स. ब्रश को हमेशा एक ही वे में चलाना है. अगर आप स्ट्रेट चला रहे हैं तो आपको स्ट्रेट ही चलाना है. बार बार ब्रश की पोजीशन चेंज करने से स्ट्रोक्स आपकी ड्राइंग पे अच्छे नहीं आते. Now
एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप जो भी फिगर बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड डार्क है तो आपको फिगर में लाइट शेड्स करने हैं, एंड इफ योर बैकग्राउंड इज लाइट आपको फिगर में डार्क शेड्स करने हैं। नीचे वाला पूरा एरिया एक डार्क ब्लू शेड के बेस से फिल कर देंगे। Now time to give strokes. आपको अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से कलर को पिक करना है एंड जस्ट टैप योर ब्रश ऑन योर आर्टवर्क। Now I take yellow
Now with the help of knife, we have to give some textures. होप आपको मेरा ये आर्टवर्क अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से ट्राई करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कैनवास सिलेक्शन, कैनवास कैसे सेलेक्ट करें। कैनवास सिलेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के कैनवास मार्केट में अवेलेबल है, लाइक कैनवास बोर्ड जो आपको फ्रेम करवाना पड़ता है, स्ट्रिच कैनवास जो वुडन फ्रेम के साथ आता है, कैनवास पैड्स और कैनवास शीट आप बोल सकते हैं जो ड्राइंग शीट की तरह आती है, ड्राइंग नोटबुक की तरह आप वो भी यूज कर सकते हैं। कलर सिलेक्शन में आपको ये देखना है कि आप किस मीडियम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग ऑयल मीडियम परफेक्टली करते हैं, कुछ एक्रेलिक बहुत अच्छे से करते हैं एंड कुछ लोग ड्राई मीडियम चारकोल वर्क में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको ये खुद सेलेक्ट करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep sharing, keep creating. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010 908888. Thank you.